Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn Code. Today we will see if you want to copy a file with the help of Python program, how you can do this. Yes, you are right. अगर आपको Python program के through किसी भी particular text file को .txt file को कहीं पे copy करना है from one location to another location, you can do it with the help of a particular module which name is shutil, which is already provided by the Python, right? सो लेट्स स्टार्ट. उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे फोल्डर में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है. अगर आपको पाथ देना है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसे, राइट लाइक दिस, ओके. और अदरवाइज जैसे मेरी यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, मैं इसे ओपन करके देखता हूँ. हेलो हाउ आर यू, देयर इज ओनली वन फाइल, एक ही फाइल यहाँ पे बनी हुई है फाइल वन के नाम से, राइट. बाकी कोई भी फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है टेक्स्ट फाइल, ओके. और यही फाइल मैंने यहाँ पूरा फोल्डर VS कोड एडिटर में यूज ओपन किया हुआ है, बिकॉज मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ. आप तो कोई भी यूज कर सकते हैं, पाईचार्म भी यूज कर सकते हैं, ओके. सो हेयर यू कैन सी फाइल वन डॉट टेक्स्ट विच इज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड हेयर, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर एंड एनी फर्दर टॉकिंग. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक जो हमारा मॉड्यूल है उसे इम्पोर्ट कर लेते हैं. हिज नेम इज shutil, राइट. इम्पोर्ट कॉपी फाइल, राइट. ये यहाँ पे इसका एक फंक्शन ही यहाँ पे दिया हुआ है, इसी का हम यूज करेंगे. एंड बेस्ट थिंग इज इट इज जस्ट टू लाइन कोड, ये दो ही लाइन का कोड है. तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉपी फाइल डायरेक्ट इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, और जो भी फाइल आपकी फाइल का नेम है, फाइल वन जैसे यहाँ पे हमारी है डॉट टी एक्स टी, एंड आई वॉन्ट टू कॉपी इट इन टू फाइल टू डॉट टी एक्स टी, राइट. इन केस अगर आपका वहाँ पे पाथ नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कॉपी फाइल, आप यहाँ पे किसी और प्रोग्राम में अगर किसी और एडिटर का यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरह करके पाथ दे सकते हैं इसका, राइट लाइक दिस, ओके. डी स्टडी प्रोग्राम्स और फाइल वन डॉट टी एक्स टी, ये फाइल टू डॉट टी एक्स टी. मैं इसे पूरे यहां से पाथ कॉपी कर लेता हूं, ओके. ये आपका सेकंड मेथड है इन केस अगर आपका वहां पे पाथ आप वीएस कोड एडिटर यूज नहीं करते हैं. नाउ यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड हेयर. नाउ यू कैन सी यहां पे फाइल वन डॉट टी एक्स टी वाली फाइल बनी हुई है, ओके. एंड आई वॉन्ट टू कॉपी दिस फाइल वन डॉट टी एक्स टी टू फाइल टू डॉट टी एक्स टी. मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यहाँ पे. नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या होगा, आपका ये ऑटोमेटिकली सेकेंड फाइल क्रिएट कर देगा बाई कॉपिंग दिस फाइल. नाउ यू कैन सी फाइल डॉट टू टी एक्स टी, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड विद हेलो हाउ आर यू, एंड फाइल वन डॉट टी एक्स टी हेलो हाउ आर यू, राइट. इवन यू कैन सी इन द फोल्डर, फोल्डर में अगर आप देखोगे तो फाइल टू के नाम से यहाँ पे ये क्रिएट हो चुकी है. नाउ यू कैन सी हम यहाँ पे आप कैसे इस चीज को कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपी फाइल फंक्शन, राइट. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. दिस इज टू लाइन कोड, जो सेकेंड लाइन वाला जो कोड लिखा है मैंने, ये वाला, ये आपका जस्ट किस लिए है, ये इसलिए है कि इनकेस अगर आप VS कोड एडिटर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ पाइथन प्रोग्राम के लिए. आई एम कंफर्टेबल विद दैट वन. आपके आप जो भी किसी के साथ कंप्यूटर कंफर्टेबल हैं, जुपिटर हो चाहे आपका पाईचार्म हो या कोई भी एक्सपायर्ड आप एडिटर यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें वहां पे ये सेकेंड मेथड वहां पे दे सकते हैं. इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेकेंड मेथड के नाम से, ठीक है. इनकेस इन केस नॉट यूजिंग VS कोड एडिटर, राइट. सो आपको वो चीज क्लियर रहेगी, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम पहले भी कराया था तो उसमें मुझे थोड़ा सा लोगों के डाउट्स रहे कि सर ये चीज आपने फाइल वहां पे डायरेक्टली लिख दी है, यहाँ पे ये चीज नहीं दी है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिस टाइम आई हैव मेंशन इट कि आप वहां पे इस तरह कर सकते हैं, ओके. सो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी आपके यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं पाइथन प्रोग्राम्स को सीखने के लिए, बिकॉज हमारी कंटिन्यूसली पाइथन की सीरीज चल रही है फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल प्रोग्राम्स. बिगनर्स से हमने स्टार्ट की हुई है, ओके. आप उसे देखिए, वीडियो को सीखिए, कहीं भी कोई अगर आपका डाउट आता है तो उस पर आप कॉमेंट कर सकते हैं, राइट, ओके. सो शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट माई वीडियो, राइट.
एंड सॉरी फॉर दैट वन कि मैं काफ़ी दिन तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. रीज़न बिहाइंड दैट बिकॉज थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे. ओके बट अब आपकी वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी. सो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.